जय हिंद दोस्तों। दोस्तों बड़ी खबर है, जनरल साहब बोले कि ओआरओपी 2 में विसंगतियों के चलते जेएसयू जवानों की पेंशन नहीं बढ़ी है और जेएसयू की पेंशन तो बढ़ने के बजाय कम हो गई है। और इस पर जो है उन्होंने इसके कारण भी गिनाए हैं कि किन कारणों से जेएसयू की पेंशन ओआरओपी के सेकेंड रिविजन में नहीं बढ़ पाई है और जा सकते हैं फिर से कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में मुख्य मुद्दे पर मैं थोड़ी देर में चलूंगा, 2-3 मिनट के बाद। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट और कॉमन सवाल थे पेंशनर की तरफ से, उनको पहले कवर कर लेता हूं। दोस्तों एक कमेंट आया, जय सर आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट और लाइफ सर्टिफिकेट दोनों एक ही हैं क्या? ये कहते हैं कि क्या लाइफ सर्टिफिकेट और आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट एक ही चीज होती है? ये गए थे नजदीकी पीओआर में जहां पर इन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट दिया, वहां पर जो है उन्होंने उनको बताया कि वो आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट और लाइफ सर्टिफिकेट एक ही चीज को बोलते हैं, तो इनको डाउट है कि क्या यह सही है। देखिए दोस्तों, आपको कई मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका आइडेंटिफिकेशन का ड्यू नवंबर में है, आप जल्दी से जल्दी अपना आइडेंटिफिकेशन करवा दीजिए। तो कई पेंशनर अभी भी डाउट में चलते हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट अलग है, आइडेंटिफिकेशन जो है सर्टिफिकेट अलग है। तो मैं आपको दोस्तों क्लियर बता दूं, हालांकि आज की डेट में सभी को पता है, फिर भी दोस्तों आपके किसी के मन में यह सवाल या यह डाउट नहीं होना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन क्या है और लाइफ सर्टिफिकेट क्या है, दोनों एक ही चीज है दोस्तों। अगला दोस्तों एक सवाल था कि सर प्लीज बता दीजिए जिनका दिसंबर में ड्यू है नवंबर में दे या दिसंबर में। देखिए ऐसे सवाल मुझे दोस्तों कई पेंशनर्स के आ रहे हैं कि सर मेरा जनवरी में है 2024 में, मेरा फरवरी में है 2024 में, मेरे दिसंबर 2023 में है, तो क्या हम नवंबर में दे दें, क्या करें सर? तो देखिए दोस्तों ऐसा है, मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपका जनवरी फरवरी 2024 में है तो आप चाहें तो दोस्तों जनवरी फरवरी जब भी आपका नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू दिखा रहा है आप उस महीने अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, तब तक आपकी पेंशन में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। लेकिन दोस्तों आपको फिर भी बहुत ज्यादा उत्सुकता हो रही कि सारे अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं, बस मैं ही नहीं देना जा रहा हूं, तो इसलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों अगर आपके अंदर बहुत ही ज्यादा जो है उत्सुकता है तो कृपया आप भी जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों होगा क्या कि आप नवंबर में देंगे तो वो नेक्स्ट ड्यू आपका नवंबर ही दिखाएगा। इससे केवल एक फायदा दोस्तों आपको यह होगा कि नवंबर में बेसिकली दोस्तों सभी बैंकों में लाइफ सर्टिफिकेट के लिए जो है वहां पर ऑप्शन खुला रहता है, लाइफ सर्टिफिकेट चलता रहता है, तो नवंबर के महीने। और दूसरी चीज यह है कि नवंबर के महीने सबको, सब पेंशनर्स को याद रहता है कि हमने अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना है, तो आप चाहें तो दे सकते हैं, उस समय आपको बैंकों में जाकर भी आपको उसका फायदा मिल जाएगा, और अन्यथा आप अन्य टाइम पे जाएंगे जैसे कि जनवरी फरवरी या मार्च में, तो उस समय बैंकों में बेसिकली ये लाइफ सर्टिफिकेट का कम ही चलता है, उनका जो है वह इंस्टॉल्ड नहीं रहता है जीवन प्रमाण, या फिर आपने देखा ही होगा वहां पर जो है लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भी लेते हैं। तो आप चाहें तो नवंबर में भी दे सकते हैं और आप चाहें तो बाद में भी दे सकते हैं, बाद में आप सीएससी में जाके, सर्विस सेंटर में जाके या मोबाइल के माध्यम से भी दे सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, जैसा आपको दोस्तों सुविधाजनक लगे। अगला दोस्तों आप देख रहे हैं कि कई मुझे जो है कुछ कमेंट्स आए थे, उन्होंने अपनी पेंशन स्लिप भेजी है नवंबर की, उन्होंने मुझे कहा है कि सर हमने तो जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दिया है लेकिन जो हमारी पेंशन स्लिप है जो जनरेट हुई है नवंबर की उसमें नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन का ड्यू जो है वो 30 नवंबर 23 ही दिखा रहा है, जबकि हमने जब इस पर में लॉगिन करके देख रहे हैं तो वहां पर जो नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू है उसमें नवंबर 24 दिखा रहा है लेकिन पेंशन स्लिप में नवंबर 23 ही दिखा रहा है, तो सर हमें बताइए कि क्या हमें दोबारा देना पड़ेगा? देखिए दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि आपकी पेंशन स्लिप में भले ही आपका आइडेंटिफिकेशन यहां पर अपडेट ना हुआ हो, यह जो है आपकी अगले महीने की यानी कि दिसंबर की जो पेंशन स्लिप आएगी आपकी उसमें अपडेट हो जाएगा, लेकिन अगर जो है इस पर्स में लॉगिन करके आपका आइडेंटिफिकेशन ड्यू ऑलरेडी जो है अपडेट हो चुका है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखकर दोस्तों आप इस प्रकार से कंफ्यूज ना होइए। अगली बात दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों मुख्य मुद्दे पर। जी हाँ दोस्तों, आज जो है मेजर जनरल सतबीर सिंह सेना मेडल साहब ने लगातार 2 ट्वीट किए हैं ओआरओपी विसंगतियों को लेकर के, और क्या ट्वीट किए हैं आप पहले इस पर देख लीजिए। पहला ट्वीट दोस्तों इन्होंने किया है कि नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी लेटर डेटेड 17 जनवरी 2013 अटैच, इस लेटर को भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। पेंशन ऑफ जेएसयू ओआर टू बी कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ नेशनल मैक्सिमम फॉर रैंक्स एंड ग्रुप
सेम नॉट इंप्लीमेंटेड टिल डेट डिस्पाइट न्यूमेरस रिप्रेजेंटेशंस ओआरओपी वन रॉन्गली कैलकुलेटेड ऑन एवरेज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंस्टेड ऑफ नोशनल मैक्सिमम। तो दोस्तों यहां पर जो है जनरल साहब ने एक लेटर का हवाला दिया है और यह है वह लेटर दोस्तों 17 जनवरी 2013 का। और इसमें लिखा क्या गया है दोस्तों, इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है एक यह जो है लेटर भेजा है किनको, तीनों चीफ को, आर्मी नेवी और एयरफोर्स सारे चीफ को जो है यह लेटर भेजा था। और इसमें जो है सब्जेक्ट क्या था कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी ऑफ सेक्रेटरी 2012 ऑन द इशू रिलेटेड टू डिफेंस सर्विसेज पर्सनल एंड एक्सेसमेंट इंप्रूवमेंट इन पेंशन ऑफ जेसीओ ओआर, ठीक है ना। तो यहां पर जो है एक कमेटी गठित की गई थी 2012 में, तो उसकी जो उसका उन्होंने रिपोर्ट दी थी, तो उसके बिहाफ में जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेसमेंट वेलफेयर ने तीनों चीफ को यह लेटर भेजा था कि जो यह कमेटी गठित हुई थी यह हेडेड की गई थी दोस्तों सेक्रेटरीज कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा, ठीक है ना। और इसमें जो है आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल तीनों जो है आर्मी एयरफोर्स नेवी के लिए जो है यहां पर जो गैप हो रखा था जो 2006 से पहले के पेंशनर्स थे और उसके बाद के पेंशनर्स थे, तो उनके लिए जो है रेकमेंड किया गया था कि द पेंशन ऑफ प्री 1 जनवरी 2006 जेसीओ ओआर पेंशनर्स मे बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नोशनल मैक्सिमम फॉर द रैंक एंड ग्रुप अक्रॉस द थ्री सर्विसेज, यानी कि नोशनल मैक्सिमम पर जो है जो 2006 से पहले के रिटायरी हैं उनका जो है जो पेंशन है उसको फिक्स किया जाए, और जो करेंट वेटेज इन क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ सिपाही नायक एंड हवलदार, सिपाही नायक और हवलदार का जो जो है रैंक वेटेज दिया जाना चाहिए, और 2 साल का, वो भी कितना, 2 साल का रैंक वेटेज दिया जाना चाहिए। तो इसमें लिखा गया है कि इस कमेटी की सिफारिश को जो है सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है और राष्ट्रपति जी ने भी स्वीकार कर लिया है और इसे लागू किया जाए। तो इसी को लेकर के जो है इन्होंने ट्वीट किया है कि गवर्नमेंट का पॉलिसी लेटर है 17 जनवरी 2013, इसके अकॉर्डिंग जो है जेसीओ ओआर की पेंशन जो है नोशनल मैक्सिमम पर कैलकुलेट होनी चाहिए थी, लेकिन इसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। और ओआरओपी फर्स्ट रिवीजन में जो मैक्सिमम और मिनिमम का फॉर्मूला लगाया गया है नोशनल मैक्सिमम के बदले, उसकी वजह से जो है जेसीओ ओआर को नुकसान हुआ है। और उसके ऊपर दूसरा ट्वीट करते हैं कि कंसिक्वेंटली ओआरओपी 2 आल्सो कैलकुलेटेड रॉन्गली, जेसीओ पेंशन रिड्यूस्ड इंस्टेड ऑफ इंक्रीज्ड। तो यहां पर ये लिखते हैं कि इसकी वजह से, क्योंकि इसको इस सही प्रकार से लागू नहीं किया गया, जो मिनिमम मैक्सिमम को नहीं लागू किया जाना था बल्कि नोशनल मैक्सिमम को लागू किया जाना था, और जब यहां नहीं किया गया तो ओआरओपी 2 में भी इसका फर्क पड़ा, उसको गलत तरीके से जो है कैलकुलेट किया गया, जिससे जो है जेसीओ की पेंशन बढ़ने के बजाय कम हो गई। रिड्यूसिंग पेंशन आफ्टर 5 ईयर्स अगेंस्ट टर्म्स एंड कंडीशन, और यह पेंशन कम होना जो है टर्म्स एंड कंडीशन के विरुद्ध है, ओआरओपी के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अगेंस्ट है। लीगल ऑप्शन बीइंग एक्सरसाइज गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेक्ट सीरियस एनोमलीज अर्लीएस्ट। तो यहां पर इनका कहना है कि लीगल ऑप्शन जो है हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो इसमें विसंगतियां हैं उनको सीरियसली जो है सीरियसली लिया जाए और उन्हें सही किया जाए। तो दोस्तों आपसे भी मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या ओआरओपी 1 की वजह से ओआरओपी 2 में जेसीओ की पेंशन नहीं बढ़ पाई, क्योंकि दोस्तों जहां तक मुझे लगता है अगर जो है ओआरओपी 1 में नोशनल मैक्सिमम भी ले लिया जाता, मिनिमम और मैक्सिमम के एवरेज को छोड़ करके नोशनल मैक्सिमम को भी ले लेते, तो क्या ओआरओपी 2 में जेसीओ की पेंशन बढ़ पाती? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो 2016 के बाद के रिटायरी हैं दोस्तों वो ऑलरेडी जो हैं 2016 से पहले आए रिटायरी से कम पेंशन ले रहे हैं। तो क्या ऐसे में जो है अगर इनका और ज्यादा बढ़ भी जाता पहले वालों का, तो क्या उनकी पेंशन बढ़ पाती? तो दोस्तों जहां तक मुझे लगता है ओआरओपी 1 की वजह से जो है ओआरओपी 2 में कोई विसंगति नहीं है, यह अगर विसंगति है जिस वजह से जो है जेसीओ की पेंशन नहीं बढ़ पाई है, तो उसका दोस्तों जहां तक मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण जो है पे कमीशन है।
जी हाँ दोस्तों, अगर पे कमीशन में जो है जेसीओ की पेंशन जो कि ऑन सर्विस थे उनकी जो सैलरी थी, उनकी सैलरी अगर उस हिसाब से बढ़ती कि वो उनकी जो सैलरी है जब वो पेंशन आते हैं 2016 के बाद में, सेवन पे कमीशन के बाद में, तो उनकी पेंशन जो है 2016 से पहले वालों से ज्यादा होती तो दोस्तों जरूर, क्योंकि 2018 को बेस ईयर मान करके जो है पेंशन बढ़ाई गई है सभी की, जेसीओ ओआर हो चाहे अधिकारी हो। तो जो 2018 में आए हैं यानी कि सातवें पे कमीशन का जिन्होंने फायदा लिया है, अगर उनकी पेंशन दोस्तों ज्यादा रहेगी तो उनसे पहले वालों की पेंशन भी जो है उनको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये तो मेरा एनालाइज था, आप भी इस पर अपनी राय दे सकते हैं कि क्या ओआरओपी 2 में ओआरओपी 1 की वजह से जो है इनके पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाई है या फिर पे कमीशन में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।